तो आप सभी कैसे हैं। हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर अलवर क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं। अभी 6 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर तमाम झलकियों से अवगत करा देते हैं कि पूरा अलवर शहर किस तरह से यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आइएगा, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा पंडाल की तरफ, कैमरामैन से चाहूँगा पंडाल दिखाएं। पंडाल देखिएगा, ये वाटरप्रूफ पंडाल है, ऊपर की तरफ दिखाएं, पूरा वाटरप्रूफ है। कितनी ही इसमें चाहे बारिश आ जाए तब भी बारिश नहीं लगेगी, और अभी गर्मी की भी व्यवस्था की गई है। और ऊपर देखिएगा, ये लाइटें लगाई गई है रात में ताकि परेशानी नहीं हो, और भीड़ की ज़्यादा भीड़ आपस में वो नहीं हो, इस वजह से ये रेलिंग लगाई गई है यहाँ पर। ये देखिएगा यहाँ पर ये रेलिंग तमाम, और जो सामने ही सामने जो दिव्य दरबार लगेगा यहाँ पर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठेंगे यहाँ पर, उसको दिखाएं एक बार। वो भी पूरा वाटरप्रूफ लगाया गया है उधर। यहाँ पर इस पंडाल के अंदर तमाम सारी सुविधाएं रखी गई है, सभी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, और जो यहाँ पर इस दरबार में आएंगे उनको यानी कि गर्मी भी महसूस नहीं होगी, और यहाँ पर पानी पीने के लिए, खाने के लिए पुलिस व्यवस्था, तमाम यहाँ पर लोग सुविधाओं के लिए जुटे हुए हैं। वहाँ अगर जो मेन रोड की तरफ हम देखना चाहें तो वहाँ से एंट्री पॉइंट बनाया गया है, उधर उस एंट्री पॉइंट से बाबा का प्रवेश होगा, वो प्रवेश द्वार है, वहाँ से लोग आएंगे, इधर की तरफ से भी लोग आएंगे। लेकिन ये दिव्य दरबार का मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया यहाँ पर, किस तरह से भक्त, जो बागेश्वर धाम के बाबा के भक्त है, वो किस तरह से यहाँ पर तैयारियों में जुट रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो तमाम हम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।